मुस्कान एंटरप्राइजेस झंडे ही झंडे। जी हाँ दोस्तों, मुस्कान एंटरप्राइजेस झंडे ही झंडे। विधानसभा चुनाव कवर करते करते हम लोग सदर बाजार विधानसभा सीट पर हैं और सदर बाजार विधानसभा सीट के कई और इलाकों का जायजा लेने के बाद हम आ पहुंचे हैं सदर बाजार मार्केट में। सदर बाजार मार्केट बारह टूटी चौक के पास ये जो पूरा मार्केट का एरिया है इसके अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे तो जिस एक दुकान पर हमारे आते ही नज़र रुक गई, क्योंकि हम आपको एक ऐसी दुकान पर लेकर आए हैं, इस दुकान के अंदर आने के बाद आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो भाई साहब इस काउंटर पे बैठे हैं ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि इस दुकान के अंदर आपको चुनाव के सारे रंग इस एक दुकान में ही मिल जाएंगे। यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो उससे जुड़ा हुआ सिंबल, उससे जुड़े हुए चुनाव चिन्ह, उससे जुड़ी हुई टोपी, उससे जुड़े हुए गमछे, उससे जुड़े हुए ब्रॉच और ना जाने कितनी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले सर से बात करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा इस दुकान के बारे में। सर आपका नाम क्या है? महेंद्र कुमार नाम है मेरा। महेंद्र जी, कितने सालों से इस दुकान को चला रहे हैं? 20 सालों से हम जुड़े हुए हैं, मुस्कान एंटरप्राइजेस हमारी फर्म का नाम है। अच्छा, 20 सालों से ये दुकान आप चला रहे हैं। तो 20 साल पहले मतलब आपने इस दुकान की शुरुआत की थी या कैसे हुई? पापा, हमारे भैया वगैरह यही सब। कैसे हुई थी इस दुकान की शुरुआत, कैसे ये आपके दिमाग में आया और 20 सालों से यही काम चल रहा है इस दुकान में, पहले कुछ और था? रिक्वायरमेंट आ रही थी झंडों की उस टाइम पे, पहले जब तब हमने शुरू किया थोड़ा थोड़ा, उसके बाद बढ़ता गया। 20 साल पहले मतलब लगभग 2000 के आसपास जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो आप कहना चाह रहे हैं कि उस समय आप लोगों के पास झंडों की और इन सब चीज़ों की बहुत डिमांड आती थी। किस तरीके के लोग डिमांड करते हैं ये सारी चीज़ों की? झंडे ही चल रहे हैं अब तो, सब झंडे, बैनर, बैलून और हैंड फ्लैग, यही सब चल रहे हैं। डिमांड मतलब राजनीतिक पार्टियां करती हैं या जो कैंडिडेट होता है किसी सीट का? सप्लायर आते हैं, कुछ कैंडिडेट के आदमी भी आते हैं। अच्छा। जो ऑर्डर दे जाते हैं। अच्छा। माल बुक करके हम भेज देते हैं। मतलब कैंडिडेट्स भी हैं जो दिल्ली की जैसे 70 सीटें हैं, या तो कुछ सप्लायर्स होते हैं? हाँ, सप्लायर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी परचेज करने के लिए आते हैं, उनके आदमी आते हैं, वो भी ले जाते हैं। जैसे कोई एक ऐसा नेता हो जिसको आप जानते हो या कोई ऐसी पार्टी हो जो आपसे लेकर जाते हो डायरेक्ट? नहीं, पार्टियाँ तो सारी आती है हमारे पास। अच्छा। नेता लोग खुद तो नहीं आते हैं, उनके जो वर्कर हैं सब आते हैं, कार्यकर्ता हैं। तो आप ये जब ये डिमांड होती है तब इनको छपवाते हैं? वैसे तो यहाँ पे अवेलेबल भी है। ऑन डिमांड ही हम वो रखते हैं, थोड़ा बहुत मटेरियल हम रखते हैं अपने पास, बाकी सब ऑन डिमांड। अभी आपकी ये दुकान, जितना मैं जानता हूँ, मैं इस इलाके में घूमा हूँ, तो आपकी ये दुकान बहुत पुरानी है और पूरे सीजन आप यही काम है आपका? यही, हम 12 महीने यही काम करते हैं। 12 महीने मतलब चुनाव कहीं ना कहीं चलते रहते हैं? चुनाव चलते हैं, धार्मिक झंडे, ये सब हम वही करते हैं। अच्छा, इसके अलावा धार्मिक झंडे भी और साल भर चुनाव भी चलते हैं। इस वक्त दिल्ली के अंदर चुनाव है, 8 फरवरी को चुनाव होने हैं, प्रचार जोर शोर से लगा हुआ है क्योंकि अब आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला है चुनाव का। इस वक्त किस पार्टी के झंडों की, पैम्फलेट की, या मैं कहूँ जो ये ब्रॉच है, या पार्टी के ये देखिए ये अलग अलग तरीके के आइटम्स हैं, तो किस पार्टी की डिमांड इस वक्त ज़्यादा है? इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनकी डिमांड ज़्यादा चल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की डिमांड ज़्यादा है, जो रैलियों के लिए डिमांड आ रही है ज़्यादा डिमांड इन दोनों पार्टियों की, कांग्रेस की कम है? कांग्रेस की कम है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए सब पार्टियों के मुखौटे भी हैं, ऊपर राहुल गांधी का चेहरा भी रूहानी से कहूँगा क्योंकि दिल्ली के चुनाव में तो वो अभी नज़र इतना ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का मुखौटा ऊपर है और नीचे केजरीवाल जी हैं। तो केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और अभी किस करवट ऊट बैठने वाला है ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा। और नीचे यहाँ पे मोदी जी को इन्होंने अपने दुकान के बाहरी काउंटर पे बिल्कुल लगाया हुआ है। मोदी जी, केजरीवाल जी, राहुल जी तीनों इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। तो सर ज़्यादा डिमांड मैं पूछना चाहूँगा फिर से कि किसकी ज़्यादा डिमांड है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी की डिमांड ही ज़्यादा चल रही है। पहले आपने कहा था पहले नंबर पे बीजेपी बोला, दूसरे पे आप, अब बोल रहे हैं बराबर ही है सब दोनों की? अच्छा, बराबर है। तो देखिए सर बता रहे हैं कि डिमांड जो यहाँ पे है झंडों की वो बराबर है, हालांकि हम इससे थोड़ा सा अंदाज़ा या बाजारों में इस वक्त काम नहीं है, काम बिल्कुल बहुत मंदा है। कोई जैसे कोई इमरजेंसी के लिए रैली है या कुछ है उसके लिए आ गए तो आ गए। अच्छा, हालांकि कोई ज़्यादा सेल नहीं है इस बार हमारी, हम सब लोग खाली ही है। ज़्यादा सेल नहीं है लेकिन पार्टियां प्रचार तो बहुत जोर शोर से अभी भी कर रही हैं, लगी हुई हैं। आपके इलाके में भी आज रोड शो है, जनसभा, मीडिया, व्हाट्सएप, ये सब ही चल रहा है, मीडिया वाले ही कर रहे हैं। हम लोगों की डिमांड झंडों वगैरह की काफ़ी कम हो गई है। झंडों की डिमांड कम हो गई है तो क्या लगता है इस बार आपका कोई कुछ लगता होगा? सदर बाजार जो विधानसभा सीट है यहाँ से सोमदत्त शर्मा जो हैं विधायक हैं, तो बिजनेस के बारे में बता सकते हैं।
आप थोड़ा सा राजनीति से थोड़ा दूर हैं, लेकिन आप मताधिकार करने जाएंगे 8 तारीख? बिल्कुल जाएंगे जी, तो जरूर। यहाँ देखिए, और ये देखिए, मैं ये और चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा। ये एक ईवीएम वैलेट है, ईवीएम मशीन है, मतलब हाँ, ईवीएम की डमी मशीन है, और इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा रहता है। हालांकि इसके ऊपर इन्होंने चुनाव चिन्ह नहीं दिया है। सर, चुनाव चिन्ह क्यों नहीं दिया? हमारा तो ये डमी है ना, ये तो ऐसा बनाते हैं, डमी है इसलिए चुनाव चिन्ह नहीं है। ये देखिए, ये बटन है का साइन है कि आप इसको दबाइए तो इसके अंदर लाइट जलती है, और ये दबाने पे काम भी करती है। अरे वाह, मैंने इसको दबा कर चेक नहीं किया। सर मुझे दिखा रहे हैं कि जब आप इसे दबाएंगे तो ये काम भी करती है। ये किस काम आती है, कौन खरीदता है इसे? ये लोगों को समझाने के लिए कि हमारा बटन 2 नंबर पे या 3 नंबर पे ऐसे आएगा, वो अपना स्टिकर लगा के तो समझाते हैं। अच्छा, पार्टियाँ खरीदती हैं लोगों को समझाने के लिए। ये एक और ईवीएम है, दूसरी ये भी इसके नीचे रखी हुई है, इसके अंदर भी है, और भी मैं समझना चाहूँगा। ये शायद बीजेपी की टोपी है, पगड़ी है। अच्छा, बीजेपी की पगड़ी, पगड़ी वाली टोपी है ये, और इसके अलावा बीजेपी का ये साड़ी है ये। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये महिलाओं वाली साड़ी, महिलाओं है वाली साड़ी। या धोती है जो बुजुर्ग लोग बांधते हैं? दोनों साड़ी है, साड़ी। अच्छा, ये साड़ी है, इसका कढ़ाई वाली साड़ी चल रही है इस बार। अच्छा, डिमांड कढ़ाई वाली साड़ियों की आ रही है, डिमांड है इसकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये बैलून चल रहे हैं आजकल। इसका क्या प्राइस होगा? इसका प्राइस सर आपका 300 रुपये से लेके 400-500 तक की रेंज में है। कपड़े कपड़े का फ़र्क है। तो इस तरह का डिमांड होती है चीज़ों की, आइटम्स की? नॉर्मल थोड़ी बहुत तो डिमांड आती है। कोई फैंसी लेने के लिए आते तो फैंसी वराइटियाँ दिखानी पड़ती हैं। अच्छा, हमें तो वराइटियाँ सही रखनी पड़ती है कि जो ग्राहक को पसंद आए दिया जाए। तो ये बीजेपी की साड़ी है, ऐसी कोई आम आदमी पार्टी का भी कोई ऐसा कुछ अलग से है क्या? ये बैलून तो मैं देख रहा हूँ, बैलून चल रहा है इस बार ज़्यादा आम आदमी पार्टी। हाँ जी, हाँ जी, बैलून चल रहा है, बैच चल रहा है, हाथ के बैंड चल रहे हैं। ये झाड़ू वाला बैच है, और ये हाथ का, हाथ के बैंड, यहाँ ये हाथ वाले बैंड हैं जो लड़के पहनते हैं या सभी लोग पहनते हैं, सभी लोग पहनते हैं इसे हाथ के अंदर। और इसके अलावा क्या आइटम है जो आप लोग देते हैं, रखते हैं चुनाव से जुड़ा हुआ? चल रही है इस बार ज़्यादातर, ये नेशनल के टाइम चल रही थी, अभी 26 जनवरी के टाइम चल रही थी, अभी इस पर फोटो कैंडिडेट अपनी फोटो वोटो लगवा कर वाइट टी शर्ट पर अपना नाम वाम लिखवा कर छपवाते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड इनमें से किस तरीके के आइटम्स की होती है? सर ज़्यादातर तो झंडे, बैचेस की, जो बैचेस दिखते हैं और पटके दिखते हैं, इस चीज़ की ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी रहती है। और यहाँ पे और तरीके की चीज़ें भी हैं, मैं रूहानी से कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं। ये देखिए पेन है, ये आम आदमी पार्टी का पेन है ये, और यहाँ पे ये BSP का बैंड है जी। यहाँ देखिए BSP भी दिल्ली के चुनाव में, अभी कहाँ है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बैंड इसका अवेलेबल है मार्केट में। ये BJP की टोपी है, दो तरीके की टोपी यहाँ पे दिख रही है। नरेंद्र मोदी जी हैं इस दुकान के अंदर मौजूद है, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल है, ये केजरीवाल का बैलून है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं चुनाव से जुड़ी हुई, और यहाँ पे जो है ऑर्डर के ज़रिए ये सभी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं पार्टियों को। जो रंग, जो रौनक आप देखते हैं चुनाव प्रचार के अंदर, लोकतंत्र का पर्व ही कहा जाता है जब एक चुनाव होता है कहीं भी। तो दिल्ली के अंदर अब चुनाव है, एक बड़ा चुनाव है, सरगर्मी बहुत तेज़ है, तमाम पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। BJP ने अपने स्टार कैंपेनर्स को पूरी ताकत से लगा दिया है, योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम सांसद दिल्ली में उतर आए हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल के दम पर, मनीष सिसोदिया के दम पर, या तमाम स्टार कैंपेनर्स के दम पर दिल्ली के चुनाव में तैयारी के साथ लगी हुई है। लेकिन इस दुकान के अंदर, एक ही दुकान में हमें बहुत सारे रंग देखने को मिले। ये है सदर बाजार की मार्केट, और ये है एक ऐसी दुकान जहां पर कोई एक पार्टी का नहीं लेकिन तमाम पार्टियों का झंडे ही नजर आता है। हाँ दोस्तों, मुस्कान एंटरप्राइजेज, झंडे ही झंडे।